लखीमपुर हिंसा में 6 किसानों की मौत के आरोपी आशीष मिश्रा 9 अक्टूबर से जेल में बंद है, लेकिन जमानत मिलने के बाद भी आशीष मिश्रा के जेल से बाहर आने में कई अड़चनें आ रही हैं, जिस वजह से आशीष मिश्रा का बाहर आना अब मुश्किल हो गया है। आपको बता दें कि जमानत आदेश में धारा 302 और 120 बी का जिक्र नहीं किया गया है और यही दो धाराएं आशीष मिश्रा की जमानत में अड़चन बन रही हैं। आखिर क्या है इन धाराओं में जिसके जिक्र ना होने से आशीष मिश्रा को नहीं मिल रही जमानत? लखीमपुर हिंसा को लेकर आशीष मिश्रा के खिलाफ कई गंभीर धाराओं के तहत आरोप लगे हैं। लखीमपुर पुलिस की ओर से कोर्ट में जो चार्ज शीट दायर की गई है उसमें आशीष मिश्रा को आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 302, 307, 326, 34, 427 और 120 बी के तहत आरोपी बताया गया है। इसके साथ ही आर्म्स एक्ट की धारा के तहत भी केस दर्ज है। हालांकि हाई कोर्ट की ओर से जारी बेल ऑर्डर में आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 307, 326 और 427 के अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 34 और 30 का जिक्र है। इसमें धारा 302 और 120 बी का जिक्र नहीं है। धारा 302 हत्या और 120 बी आपराधिक साजिश रचने से जुड़ी हुई है, क्योंकि बेल ऑर्डर में 302 और 120 बी का जिक्र नहीं है, इसलिए आशीष मिश्रा का अभी भी जेल से बाहर आना मुश्किल है। ऐसे में अब जमानत लेने के लिए क्या पेच अपनाए जाएंगे? आशीष मिश्रा के वकील का कहना है कि वो बेल ऑर्डर में धारा 307 और 120 बी को जुड़वाने के लिए हाई कोर्ट में अपील करेगी। बेल ऑर्डर में करेक्शन होने के बाद ही आशीष मिश्रा को जमानत मिलेगी। आपको बता दें कि लखीमपुर में 3 अक्टूबर 2021 को किसानों ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा और बीजेपी नेताओं का विरोध करते हुए काले झंडे दिखाए थे। इसी दौरान केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे की गाड़ी ने किसानों को कुचल दिया था। इस घटना में 4 किसानों की मौत हो गई थी। इसके बाद हिंसा भड़क गई थी। इस हिंसा में एक पत्रकार समेत 4 अन्य किसानों की भी मौत हुई थी। इस मामले में मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा समेत 14 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। अब जब तक इन दोनों धाराओं का मामला सुलझ नहीं जाता, तब तक आशीष मिश्रा का बाहर आना मुश्किल है।